ये मैंने सपोर्ट यहाँ से मैंने, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो एरो बना रखा है मैंने यहाँ से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दूँ कि आगे बताने वाली चीज़ से मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये करें, क्योंकि पहले लर्निंग फिर अर्निंग होती है। आप पहले अर्निंग करोगे और घुस जाओगे। आगे बढ़ते हैं। गाइज वेलकम बैक टू माई वीडियो। गाइज यार आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैंने NHPC के 30 शेयर बाय किए थे, जिससे मुझे आज अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 2713 रुपये का प्रॉफिट हुआ है मुझे कुछ ही दिनों में। मैंने बाय किया था इसको 14 फरवरी को 9:15, ठीक है, 14 फरवरी जिस दिन सब बाबू सोना कर रहे थे उसी दिन। मेरी मार्केट पे पहले से ही नज़र थी, न्यूज़ भी ले रखी थी और मार्केट एनालाइज भी किया था कि ये पहले भी NHPC का शेयर अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है, तो फिर भी आगे तो देगा ही देगा ना। इस वजह से मैंने 30 शेयर बाय किया, जिससे मुझे आज कुछ दिनों में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 2713 रुपये। और ये आगे भी प्रॉफिट देगा, मैं होल्ड करूँगा इसको, सेल नहीं करूँगा, आगे भी प्रॉफिट देगा और ये बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है। और मैंने इसको बाय कितने में किया था, मैंने इसको बाय किया था 84.45 रुपये में, ठीक है। आप चाहे देख सकते हो 9:15 से 30 की कैंडल जो थी 14 फरवरी को, वो 84.45 रुपये थी तब मैंने उसको बाय किया था, ठीक है। 30 शेयर प्राइस चल रहा है जो 90.45 रुपये, इस वजह से मुझे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी आके अपना स्क्रीन रिकॉर्ड लगाता हूँ, अभी स्क्रीन रिकॉर्ड करूँगा इस वीडियो के बाद ही, फिर आप लोगों को दिखाऊँगा अपना पोर्टफोलियो दिखाऊँगा जहाँ मुझे प्रॉफिट हो रहा है डिटेल्स, और चार्ट भी दिखाऊँगा जो मैंने मार्केट एनालाइज किया था, कैसे प्लानिंग की थी वो भी दिखाऊँगा, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन रिकॉर्ड लगाते हैं और पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। ओके गाइस, आ गया हूँ मैं अपने माय पोर्टफोलियो एंड होल्डिंग्स पे। आप लोग देख सकते हो NHPC का शेयर है 90.45 रुपये, अभी चल रहा है 84.45 रुपये। मैंने इसको बाय किया था, ठीक है, और रिफ्रेश भी कर देता हूँ आज तो। एक मिनट थोड़ा टैप करता हूँ इस पर। आज है 2 मार्च, यहाँ पे देख सकते हो 2 मार्च, यानी कि आज है संडे 2 मार्च 2024, ठीक है। संडे का दिन है, संडे को मार्केट क्लोज होती है और मैं फ्री था, इस वजह से मैं सोचा ये वीडियो बना के आप सभी को दिखा दूं। बाय डेट है 14 फरवरी को, ठीक है। थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ, कुछ चलेगा तो है नहीं। और चलिए मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ अपनी प्लानिंग। तो हम लोग आ गए हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, ठीक है। तो अभी एक मिनट, आप लोग यहाँ देख सकते हो ये यहाँ पे 84.45 रुपये, ठीक है। थोड़ा सा अभी इसको और साइड में लाते हैं, एक मिनट ये हम लाएं इसको साइड में। फ़ोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं अपना सारा काम लैपटॉप में करता हूँ और फ़ोन में आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मैंने सपोर्ट, यहाँ से मैंने, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो एरो बना रखा है मैंने यहाँ से बाय किया था। एक लाइन भी ड्रॉ की है जो 84.45 रुपये की है यहाँ पे। यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर गई, ठीक है, और जाती गई और गई और गई, यहाँ तक भी पहुँची और यहाँ तक मैं मुझे 96 रुपये तक पहुँच गई थी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार अभी ये और जाएगी, तो मैंने होल्ड किया, ठीक है। लंबा गया फिर भी मैंने होल्ड किया कि नहीं अभी सेल नहीं करूँगा, क्योंकि पैसा बनता है, आप अगर होल्ड करके रखोगे ना तो बनेगा आगे, टाइम दो शेयर में। तो फिर थोड़ा सा डाउन हुई मार्केट, थोड़ा सा डाउन हुई, फिर उसके बाद मैंने अभी तक, आज 2 मार्च है ना, अभी तक मैंने अपना सेल नहीं किया हुआ है। थोड़ा सा और इधर आते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, ये देख सकते हो आप लोग आज क्या है 90.55 रुपये में अभी है मार्केट। आज संडे, कल ओपन होगी और ये 2 मार्च आप डेट भी देख सकते हो यहाँ पर, मैंने इसको अभी तक सेल नहीं किया हुआ है और ये मार्केट जाएगी ऊपर, ठीक है, ऊपर इसको जाना ही जाना है, ये आप लोग देख सकते हैं। और सब कुछ इसमें से मैंने हटा रखा है क्योंकि चार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा कचरा हो रखा था, जो मैं ये लाइन वो लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंट और बहुत सारी चीज़ें बना रखा था, कुछ इंडिकेटर्स भी लगा रखे थे, वो मैंने हटाए अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं, कि मैंने यहाँ पर से 14 फरवरी को 9:30 पर बाय किया था ये सेकेंड वाली कैंडल पर, तो फिर अभी तक मैंने होल्ड कर रखा है, ठीक है।
तो अभी मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और अगर कोई वीडियो चाहिए हो आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को सॉल्व कर दूँ। और मैं यहाँ पे अपनी साइट में इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ कोई भी क्वेश्चन करना हो मुझसे तो आप लोग इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मुझे डीएम करेंगे, मैं खुद ही पर्सनली आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।